आपका स्वागत है सेंगला पास पे। तो मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप हम यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, ये पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, वो बिल्कुल वो परले माउंटेन पे चले जाएंगे वो लास्ट में। और ये देखिए, ये है सेंगला पास। और हम यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 1 बजे, और 10-15 मिनट हो गए हमें यहाँ पे। अभी टूरिस्ट की बस आई हुई थी जिसमें जंस्कार वैली जा रहे थे लोग। कहाँ फंस गया था? वाटर क्रॉसिंग में। वो तो छोटी थी, फंस गया था वो। अच्छा, 10 मिनट तक ऐसे बैठा था। अरे, तो ये है सेंगला पास, 16,590। तो ये हमारी बाइक खड़ी है और हम यहाँ से आए। ये देखिए, 5 बाइक्स आ चुके हैं, एक हमारी आ रही है, आ रही हमारी अमित भाई की, और हम खड़े हैं सेंगला पास पे। तो फोटेला पास में भाई जाके रुक जाएंगे, कह रहे हैं वहाँ स्टे करेंगे, हमारे पास दिन ज़्यादा है, लेकिन हम आगे जाएंगे, देखते हैं बात करके क्या करेंगे, लेकिन हमारा तो ले का प्लान है। तो सेंगला पास से हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए, आइस पूरा ग्लेशियर है ये साइड में। और ये देखिए, ये रास्ता है जहाँ से हमने अभी जाना है, अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ओहो, स्लिप मार रही थी यहाँ पे पानी में, बारिश में तो यह बुरा हाल हो जाए आपको, स्लिप मारती है बारिश में। ओए होए, आगे है। पानी तो सड़क का दुश्मन होता है, तहस नहस कर देता है। ये जितने खड्डे बने हुए हैं ये पानी की वजह से बनते हैं। आप रोड को ठीक कर दो, लेकिन फिर भी पानी आता ही इस पर खड्डे बन जाएंगे ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करिए, और ये सामने के व्यू देखिए, एक कुछ वैली जैसे लग रही है कि घाटी के अंदर से हम निकल रहे हैं, और हमारे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। और ये रास्ता देख लीजिए, अगर आपने जंस्कार करना हो तो रास्ता। अभी तक हमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं, जो किलोंग से पुरने तक वो तो माशाल्लाह, उसके वैसा रास्ता अभी तक नहीं देखा मैंने। ये देखिए माउंटेन्स, शार्प माउंटेन्स। और नेक्स्ट अब सिरसिला पास आने वाला है, अब देखते हैं कि कब आता है। और ये सामने देखिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये कोई ब्रेक पॉइंट है, BRO का ऑफिस लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं चाय पानी का कुछ इंतजाम होगा तो चाय पानी पी के। फोटोक सर में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे एक ढाबा है, यहाँ पे मैगी, बॉयल्ड एग, चाय, कॉफ़ी जो भी लेना है यहाँ मिल जाता है। तो हमने तो फेल दिया मैगी और अंडा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और पीछे सिरसिला पास को हम क्रॉस करके आए हैं, लेकिन वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक झंडियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने वहाँ कोई वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी कुछ नहीं की। तो अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, और समय पे रात हो जाएगी, पूरी अंधेरा हो जाएगा ले पहुँचते पहुँचते। देखते हैं बाकी सब कुछ सही चलता रहा तो, क्योंकि रोज़ ही सीन हो रहे हैं हमारे साथ तो। यादव जी, रोज सीन हो रहे हैं। हाँ,
कल भाई ने डोमिनार को पूरी उड़ा के ले गया था। तो अभी चाय पी के फिर निकलेंगे भाई, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं उधर पीछे। तो गए अभी हमें फोटोस्कर, और यहाँ पे फेमस मोनेस्ट्री है फोटोस्कर मोनेस्ट्री। ये देखिए रिवर छोटी सी। और यहाँ पे अभी हमने अपना लंच फिनिश किया, मैगी खाई, अंडे खाए, चाय पी। तो 3 बज चुके हैं, अभी भी 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और 50-60 किलोमीटर का अभी ये ऐसे ही ऑफ रोडिंग चलेगी। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस तरफ। आगे एक गांव आ रहा है फोटोस्कर। फोटोस्कर के लिए आपको नीचे से जाना पड़ेगा और ले के लिए ऊपर से जाना पड़ेगा। चल ओए, ये देखो जंगली चूहा क्या है पता नहीं। ओए व्यू देखो यार, क्या सुंदर व्यू है, ब्यूटीफुल। ये हम यहाँ से आए थे, ये देखो ये वो वहाँ से नीचे आके और फोटोस्कर के वहाँ पे हमने चाय पी और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ गए हैं। और अभी 40-50 किलोमीटर भाई ऐसे ही रास्ता आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कुछ सही होगा। तो ये एक पास को क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक ये कौन सा पास है, सिरसिला पास। ओके तो गाइस हम पहुंच गए हैं सिरसिला पास। सिरसिला पास एट लास्ट हम पहुंच गए हैं सिरसिला पास। सिरसिला पास तो ये है 15,700 फीट की हाइट पे, और इससे पहले हमने शिंगला पास किया था और लेंचिट पास क्रॉस किया था। तीन, ये तीसरा, एक वो बीच में और पास था उसका तो नाम ही नहीं था। तो अब देख लीजिए ये जो रास्ता है, ये अब ये डाउन है पूरा, और उसके बाद हमें एक पक्की रोड मिल जाएगी। बस अब दोनों भाई तो निकल गए हैं, बस फोटोग्राफी करके फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये देखिए माउंटेन, देखिए यार क्या शेप है यार, ये देखो ये अलग ही किस्म की माउंटेन है यहाँ पे, ये देखो गजब यार, गजब नज़ारे है यार, जंस्कार बिल्कुल अलग ही है। चलते हैं, वो आगे चले गए बाकी भाई में हमारे। पथरीला ही रास्ता अभी तक, ज़रा भी स्पीड नहीं बन रही है यहाँ से। 425 हो गए हैं और अभी तक हमने ये ऑफ रोड ही ख़त्म नहीं की। हमें नहीं लगता अभी पहुँच पाएंगे इतनी जल्दी ले में, पूरी रात काली हो जाएगी। एक बार हाईवे मिल जाए बस, 2 घंटे में लग जाएगी हमारी। ये देखिए व्यू, देखिए यार बहुत ही प्यारा व्यू है, ये देखो पहाड़ दोनों तरफ, गजब है गजब। आगे आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे, अब तो ख़त्म होने वाले हैं। अब तो हम लामा यूरू, अब तो हम लामा यूरू वाले हाईवे पे आने वाले हैं, और 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। पीछे मैंने आपको अलग नज़ारा दिखाया था, अब ये देखिए सामने अलग नज़ारा, अलग ही दुनिया है यार ये, क्या क्या मैं कैप्चर करूँ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही गदर है यार, कैप्चर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं किसी विलेज में, विलेज कौन सा है
नाम के तो कहीं लिखा नहीं हुआ। अभी तक पूरे टूर में ये विलेज लिंकशेट के बाद यही विलेज नज़र आया है। बीच में एक रात दूर नज़र आ रहा था, पता नहीं गांव कौन सा है। तो गाइस ये देखिए कितना शानदार लैंडस्केप भी नज़र आ रहा है और रास्ता बिल्कुल नदी के साथ साथ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होके निकल रहे हैं यार। ये दूर से हमें दिख रहे थे ये पहाड़ और अब उनके बीच से होके निकल रहे हैं। और सिलसिला पास से हम बिल्कुल डाउन पे आ रहे हैं और जब से हम वहाँ से डाउन से उतरे हैं अभी तक उतर ही रहे हैं। पता नहीं कितने किलोमीटर ये देखो डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन। ओहो धूल मिट्टी बहुत है, धूल मिट्टी बहुत है यार यहाँ पे। पता नहीं दूर कहाँ से आ रही है, अगर बारिश हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। हुए हुए नदी के ऊपर पहुँच गए हम। ये देखो ऊपर ओहो बच गया बच गया बच गया बच गई थी बाइक। पहला आ गया अब डाउन पे उतर चुके हैं हम।